हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ आज। आज का जो टॉपिक है वो है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम गॉड। गॉड की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, तो देख लेते हैं रीडिंग में और देखते हैं क्या बताना चाहेंगे एंजल आपको। स्टार्ट करते हैं। ओके, इम्पार्शियलिटी। एक्सेप्टेंस। विजडम। ग्रीफ। Joy, enlightenment, discovery, prayer, okay, and renewal बॉटम द डेक से है। तो गाइज, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं अच्छे कार्ड्स हैं। डेफिनेटली गाइज, आपको डेफिनेटली अब अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसी आपकी लाइफ है, अच्छी है बुरी है, मुझे लगता है कि अच्छी बनाने की तो आप कोशिश कर ही रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि पहला कार्ड है इम्पार्शलिटी। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को इक्वली पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने का जज्बा आप में है। और यही चीज़ें हैं जो कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, आप अपने आप को ट्रैक पर रखने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ में जो भी आप देख रहे हैं उसको, उसमें अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो सुख है या दुख है, डजंट मैटर। एक्सेप्टेंस का मतलब है एंजल आपको कह रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए और जो भी आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है उसमें, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो मुझे पता है आपकी लाइफ उतनी अभी अच्छी नहीं है, आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ रहा है और आपको नहीं पता रिजल्ट क्या होने वाला है और आपको रिजल्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। आपको अपनी लाइफ एज इट इज़ एक्सेप्ट करनी है। पता है क्यों आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपके अराउंड एंजल है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जब एंजल साथ होते हैं तो फिर डाउट किस बात का। ठीक है, डाउट आपको नहीं रखना है अपने अंदर, आप उन पर ट्रस्ट कर अपने काम करते रहिए और डेफिनेटली यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बना रही है। विजडम आप में आ रहा है, ऑनर आप में आ रहा है और आप एक ऐसी स्टेट पर आने वाले हैं, एक ऐसा आपको स्टेट मिलने वाला है, एक ऐसे पॉइंट पर आप आने वाले हैं जहाँ एंजल आपको अपनी ब्लेसिंग दिए बिना रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं एंजल यहाँ कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ पर भी एंजल मुझे आशीर्वाद देते हुए ही दिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, दोनों हाथ इनके आशीर्वाद देने के लिए ही है आपको। तो यस, आपको इस टाइम बिल्कुल ट्रस्ट करना है अपनी जर्नी पर, खुद पर, और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, और ग्रीफ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये ग्रीफ जाने वाला है आपकी लाइफ में और ये जॉय आने वाला है। कुछ ना कुछ रिन्यूअल आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है जो आपको इस ग्रीफ से निकाल देगा। ठीक है, इतना आप ट्रस्ट कीजिए एंजल पर कि ये चीज़ होगी होगी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तक आप पहुँचने वाले हैं और यही रिवॉर्ड आपको जॉय देगा, आपको हैप्पीनेस देगा, खुशियाँ देगा। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको ये डिस्कवर करते हुए रुकना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ अभी भी डिस्कवर करने के लिए एंजल कह रहे हैं। ठीक है, मोटिवेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इस डिस्कवरी के साथ साथ आपको प्रेयर भी करते रहना है, एंजल से मदद मांगते रहिए,
उनसे गाइडेंस मांगते रहिए, वो आपको ज़रूर अपनी ब्लेसिंग अपनी गाइडेंस सेंड कर रहे हैं, चाहे फिर वो एंजल नंबर के थ्रू ही क्यों ना हो, ठीक है। और इस बात पर बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और उसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अब नया स्टार्ट होने वाला है जो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स होंगी। तो अब आपका आपके ऊपर जब आशीर्वाद है भगवान का, तो अब आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मैसेजेस जो एंजल आपको देना चाहते हैं वो यही है कि आप टेंशन फ्री होकर एक्सेप्ट कर लीजिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, और अपना डिस्कवर करते रहिए, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में यही चीज़ है जो जॉय लेकर आएगी, आपका हार्डवर्क ही आपकी लाइफ में जॉय लेकर आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहेंगे आपको। वेट अ सेकंड गाइस, मैं शफल कर लूँ पहले कार्ड्स को अच्छे से। एम्पैथी, यस आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आप दोनों साइड देखिए सिचुएशन की, ठीक है। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। यस आपको देखो, आप भले ही आप अकेले हैं, अकेलापन आपको परेशान भी कर रहा है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आप अपने दोनों अपनी सिचुएशन के दोनों साइड देखिए, ठीक है। आप दोनों साइड देखिए सिचुएशन, और आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तरह से सोचना नहीं है आपको, दोनों तरह से सोचना है, ठीक है। और अपने आप को अकेला फील मत कीजिएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, एंजल का सपोर्ट है आपको, ठीक है। रिलेशनशिप, आप एंजल के साथ एक रिलेशनशिप फील करते हैं, फिर चाहे आप उन्हें अपना फ्रेंड मानते हैं, चाहे उन्हें अपना पेरेंट मानते हैं, चाहे उन्हें अपना प्रभु मानते हैं, या फिर ठीक है जिस भी रूप में आप एंजल्स को मानते हैं, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप फील कीजिए, ठीक है। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माय हायर गुड, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, आप एंजल के साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप फील करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने डेस्टाइन रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। अपने अंदर करेज बना के रखिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, और बिल्कुल फ्री हो जाइए फियर से, और कॉन्फिडेंस बना के रखिए अपना, ठीक है। एंजल आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं। और देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या है एंजल की तरफ से। या गॉडेस ऑफ द मून तो आपके साथ ही हैं, आपके लाइफ में पीस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंडिसीजन, देखो अभी आप शायद, अभी आपको शायद पता नहीं है कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे करना है, लेकिन आप पता लगा पाएंगे बहुत जल्दी, जैसे ही आप ग्रीफ से बाहर आ जाते हैं। ट्रस्ट कीजिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो आपकी है ही। ब्रोकन हार्ट, आर्केंजल रैफियल, देखो आर्केंजल रैफियल आपके ब्रोकन हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मान के रखिए कि ये विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। ये विक्ट्री आप ही की है, आपको वो सब मिलेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंजल का सपोर्ट तो है आपके पास, ठीक है। तो इस टाइम अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ें, और कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहें, जिससे आपको कुछ नया पता चलेगा। आपको यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है, और एंजल आपको मोटिवेट ही कर रहे हैं। एक बार ये एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है एंजल की तरफ से। या अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, देखो विक्ट्री भी है यहाँ पर, विन विन आउटकम भी है, यही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार ले आइए, अपने आप से प्यार कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। होल्ड योर विजन, तो आपको जो भी विजन आ रहे हैं, आपके इंट्यूशन आपको जो भी बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जल्दी ही कंक्लूजन मिल जाएगा आपको। कंक्लूजन आर विद इन द रीच, विद इन रीच।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। देखो सारी टेंशंस को रिलीज करके डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, नहीं मैनेज कर सकते, तो आपको फिर वो चीज़ें सरेंडर करने की ही ज़रूरत है। ओके, और अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाल दीजिए, बिल्कुल ग्रीफ से बाहर आइए। अभी भी आप देख रहे हैं, जब ये ग्रीफ कार्ड मुझे दिखता है ना, तो इट मीन्स अभी भी आप में कमियां हैं, अभी भी आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं, अभी भी आपको टाइम की ज़रूरत है। ये टाइम अपना आप खुद ही बढ़ा रहे हो, और मैं ये भी ब्लेम नहीं करूँगी आपको कि आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि समझने में और बोलने में टाइम लगता है। तो आप, मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन आपको समझने में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आपकी जर्नी है, जिस हिसाब से आप चलोगे वैसा ही उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है गाइस। हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, ये आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को रिचार्ज करें, हील करें, और अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर दें। आप दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, आप इतने पावरफुल बन चुके हैं। आपके थॉट प्रोसेस, और आप बहुत ज़्यादा, आपके पास विजडम है, तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं इस टाइम। तो रोकर, परेशान होकर अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, आगे बढ़ते रहें। आपको जो आपके भाग्य का है वो आपके पास आके ही रहेगा, ठीक है, कोई आपसे छीन कर नहीं जाएगा। ओके, एंजल कह रहे हैं कंसीडर कीजिए, आप अपनी जर्नी कंसीडर कीजिए, आप देखिए आगे आपको क्या करना है, और उस पर फिर एक्शन ले लीजिए, ठीक है। एक्शन लेने के लिए भी कह रहे हैं आपको बहुत सोच समझ कर चलना है। आप एक्शन लेंगे, इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। अभी आप पर है कि आपको क्या करना है, रोना है, परेशान होना है, या आगे बढ़ना है, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको कंसीडर तो करने के लिए कह ही रहे हैं, और आगे के एक्शन कैसे लोगे इस चीज़ पर भी फोकस करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ब्रोकन हार्ट को भूल जाओ इस टाइम, दिमाग से काम लो, करियर के बारे में फोकस करो, हेल्थ के ऊपर ध्यान दो अपनी, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।